नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने हर हाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का जारी किया आदेश। बिहार के सभी सरकारी दफ्तर अब होंगे पेपरलेस। बिहार के इन छात्रों को फ्री में मिलेगा लैपटॉप। ठंड से मिलेगी राहत, इन जिलों में बारिश के आसार। आधार को गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए UIDAI ने शुरू की नई सर्विस। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने हर हाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का जारी किया आदेश। बिहार में कानून व्यवस्था और शराबबंदी की स्थिति को जानने के लिए समीक्षा बैठक बीते दिन बुलाई गई थी। बैठक में उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि वो हर हाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करें। किसी भी हाल में किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था की समीक्षा की नवम्बर में हुई अपनी बैठक में दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ है, इस पर भी सवाल किए। पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य में किन वरीय अधिकारियों ने प्रमंडलों का दौरा किया, इसकी भी जानकारी मांगी गई। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे प्रणव प्रकाश की। प्रणव प्रकाश का 1979 में जन्म राजधानी पटना में हुआ था। प्रणव प्रकाश एक भारतीय कलाकार हैं जो नियो पॉप शैली में काम कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली के कलाकारों के एक समूह के साथ टच चार्ट शैली बनाने में मदद करने के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने दिल्ली में 2007 के एक शो में शुरू किया था, जिसका शीर्षक था टच चार्ट प्रकाश है। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों जैसे कि ज़ेनोफोबिया से अपने कार्यों के लिए प्रेरणा लेने के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जो अक्सर विभिन्न व्यक्तियों का चित्रण करता है। बिहार के इन छात्रों को फ्री में मिलेगा लैपटॉप। बिहार सरकार अपने छात्रों को फ्री लैपटॉप दे रही है ताकि छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर आप भी लैपटॉप लेने के इच्छुक हैं तो इसके लिए योजना का लाभ लेने की सोच रहे हैं तो युवाओं को सबसे पहले कुशल युवा ट्रेनिंग में भाग लेने वाले छात्र और छात्रों को उनकी ट्रेनिंग की अवधि पूरी होने के पश्चात मुफ्त लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। सरकार का यह उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को लैपटॉप दिया जाए, जिससे कि छात्र अपनी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई पूरी करके आत्मनिर्भर बन सके। ध्यान रहे, लैपटॉप प्राप्त करने के लिए युवा का 10वीं और 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। अब बिहार के किसान कर सकेंगे मधुमक्खी पालन। कृषकों को दिया गया प्रशिक्षण। अब बिहार के किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इसको लेकर खादी ग्रामोद्योग विभाग केंद्र सरकार की तरफ से हनी मिशन कार्यक्रम के तहत नगर स्थित चांदमारी प्रशिक्षण भवन में कृषकों को प्रशिक्षण देने का काम किया गया। वहीं 20 किसानों को मधुमक्खी सहित 200 बॉक्स और टूल किट वितरण का काम भी दिया गया, जिसके बाद ही स्थानीय किसानों ने बताया कि 20 किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षित कर प्रत्येक किसान को 10-10 की संख्या में मधुमक्खी सहित बॉक्स का वितरण किया गया है। वर्तमान समय की बात करें तो प्रदेश में 10,000 से ऊपर मधुमक्खी पालन करने वाले किसान आत्मनिर्भर बनकर राज्य और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने निकाली रिक्तियां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने सीनियर रेजिडेंट GDMO के कुल मिलाकर 95 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो हेमेटोलॉजी, सिटी, MRI, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्ट्रेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, आई बायोकेमिस्ट्री, एनेस्थीसिया, कैजुअलिटी, ब्लड बैंक, ENT, माइक्रोबायोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी तय किया गया है। वहीं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBBS और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंटरव्यू की तारीख 16 और 17 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। की राहत, इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में फरवरी में भी दिसंबर जनवरी के जैसी ठंड महसूस हो रही है। बसंत पंचमी के बाद भी लोगों को रात में कंबल या फिर ऊनी चादर की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार रजाई सिमटने का नाम नहीं ले रही और मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।
मौसम में एक तरफ जहां ठंड का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के माने तो बिहार में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान हवा की दिशा परिवर्तित होकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी होने जा रही है, जिसके कारण अगले 24 घंटे के दौरान मौसम पूरी तरह से साफ रहने की बात तो कही गई है, साथ ही ये भी कहा गया है कि मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार के सभी सरकारी दफ्तर अब होंगे पेपरलेस। बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस बनाने की योजना अब बिहार सरकार ने शुरू कर दी है। इसको लेकर बिहार सरकार ने अब अपना काम भी तेज कर दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार फिलहाल बिहार के 10 विभाग और 23 निगमों में ई ऑफिस सिस्टम लागू हो गया है। अब जल्द ही 18 दूसरे विभाग में भी यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है, जिसके बाद ही इन विभागों को अलमारियों की फाइलों से मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि अब आने वाले दिनों में आईटी, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, समाज कल्याण, कला संस्कृति और युवा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, वित्त विभाग समेत अन्य को पेपरलेस करने की योजना के साथ काम हो रहा है। भूमि सर्वेक्षण का होगा ऑन स्पॉट अनुभव। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षमाण अधिकारियों ने बिहार के 20 जिलों में चल रही भूमि सर्वेक्षण का ऑन स्पॉट जायजा लेने का फैसला सुनाया है और उनके अनुभवों से सर्वे निदेशालय को अवगत करवाने की बात भी कही है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने उनके अनुभवों को सुना और निदेशालय के अधिकारियों के उस पर विचार करने और सर्वे के काम में उन्हें शामिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें 2020 बैच के ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिलों में सहायक समाहर्ता के पद पर तैनात हैं और बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का अध्ययन करने के लिए आए थे। बिहार में इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के पास नौकरी का मौका। बिहार में 22 फरवरी से एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस, इंजीनियरिंग और फिजिक्स का साक्षात्कार आयोजित होगा, जो कि 24 फरवरी तक चलेगा। वहीं प्रोफेसर फिजिक्स और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्ति के लिए भी 22 फरवरी से ही साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं। इसके तहत ही योग्य और अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है। अपने एकेडमिक अंक और शिक्षण कौशल के लिए प्राप्त अंकों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर अभ्यर्थी खुद भी देख सकते हैं। बिहार के कई इलाकों में बंद हो जाएगा बोरिंग। राज्य में पिछले 2 सालों से भूजल की स्थिति बेहतर हुई है। बिहार सरकार की तरफ से जल जीवन हरियाली अभियान चलाए जाने के बाद से बिहार की इस बड़ी समस्या में थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि बिहार सरकार अभी भी सभी लोगों को पानी नियमित मिले इसको लेकर एक नई योजना तैयार कर रही है। इसमें वैसे सभी क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा जहां भूजल में लगातार गिरावट हो रही है और उसके बाद वो क्रिटिकल जोन में तब्दील हो गया है। वहां के ही सरकार और निजी बोरिंग को बंद कर सरकारी जलापूर्ति योजना से पानी पहुंचाने का काम होगा। इसको लेकर लघु जल संसाधन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें पीएचईडी और अन्य विभागों को भी जोड़ा जाएगा। इसकी पूरी तरह से शुरुआत राजगीर से करने की संभावना है, यानी कि अब जहां भी क्रिटिकल जोन रहेगा वहां बोरिंग को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पटना हाईकोर्ट में इस दिन से शुरू हो रही है फिजिकल सुनवाई। कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट जारी है, ऐसे में एक बार फिर से फिजिकल सुनवाई को शुरू करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही पटना हाईकोर्ट में 21 फरवरी से फिर से एक बार फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस बार सप्ताह में 4 दिन पूर्ण रूप से फिजिकल सुनवाई की जाएगी और एक दिन वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस समेत पटना हाईकोर्ट के अन्य जजों के साथ हाईकोर्ट के 3 अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान यह भी साफ कर दिया गया है कि कोविड को लेकर जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाना अनिवार्य है। अलग अलग प्रदेश के 2 राशन कार्ड रखने वाले व्यक्ति हो जाए सावधान। राशन के लिए 2 या उससे अधिक राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप पर कार्रवाई तय है, क्योंकि बिहार सरकार ने अब इसको लेकर अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार ने उपभोक्ताओं को प्रशासनिक स्तर पर हफ्ते भर का समय जरूर दिया है। इस अवधि में उपभोक्ता को अन्य राज्यों की उपभोक्ता सूची में अपना नाम कटवाकर इसका साक्ष्य उपलब्ध करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि उन्हें बिहार में जनवितरण प्रणाली व्यवस्था का लाभ नहीं लेना है। इसके साथ ही संबंधित उपभोक्ता का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें बिल्कुल भी राशन नहीं मिल पाएगा। ध्यान रहे, यह नियम उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास अलग अलग प्रदेशों के 2 या उससे अधिक राशन कार्ड मौजूद है।
मुंगेर के गोयनका शिवालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तालाब के बीच बने गोयनका शिवालय श्रद्धालुओं के साथ ही मुंगेर आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगे फूल पौधे आदि मंदिर के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। शिव मंदिर एक बड़ी पानी की टंकी के बीच में बनाया गया है जो बड़ी और सुंदर मछलियों से भरा है, इसीलिए लोग इसे मछली तालाब के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण गोयनका परिवार द्वारा अपने इष्ट और कुलदेवता के निजी मंदिर के स्वरूप में लगभग 1895 में कराया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित और जल में अवस्थित शिवालय श्री वैद्यनाथेश्वर स्तंभ पर विराजित है। चालान से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान। परिवहन विभाग ने किया नियमों में बदलाव। अगर आने वाले दिनों में आप भी चालान से बचना चाहते हैं तो आपको भी कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि सड़कों पर काटे जाने वाले चालान को लेकर परिवहन विभाग ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसके तहत ही अब आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि अब वाहन चालक द्वारा वाहन चलाने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की हार्ड कॉपी किसी वजह से अगर उपलब्ध नहीं है तो डिजिटल डॉक्यूमेंट दिखाकर तत्काल चालान कटने से आप बच सकते हैं। परिवहन विभाग ने वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता देते हुए राज्य परिवहन विभाग के सचिव ने सभी संयुक्त आयुक्त, सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और सभी मोटरयान निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बिहार के गुरमीत चौधरी जल्द ही बनने वाले हैं पिता। बिहार से निकले अभिनेता और टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी और देबिना बैनर्जी माता पिता बनने वाले हैं। इस बात की जानकारी कपल ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। कपल के पोस्ट शेयर करते ही फैंस सहित टीवी के सितारे भी उन्हें बधाई देते हुए और कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी के लंबे समय बाद दोनों पहली बार पेरेंट्स बनने वाले हैं। पेरेंट्स बनने की खुशी जाहिर करते हुए कपल ने अपना एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें दोनों ब्लैक कलर के आउटफिट में खुश दिखाई दे रहे हैं। फोटो में जहां गुरमीत अपनी वाइफ के कमर पे हाथ रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ देबिना अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है। बजट सत्र के लिए कर्मचारियों को किया जा रहा है ट्रेन। बिहार में जल्द ही बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर अभी से ही तैयारियों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बजट सत्र के सुचारू ढंग से संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि बजट सत्र ऐतिहासिक बने उसकी कोशिश हो रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा में अलग अलग क्षेत्र के जानकार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो रहा है तो उसके बारे में भी कर्मचारियों को जानकारी दी जाएगी, जिससे सत्र के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है जो 31 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 24 फरवरी को राज्यपाल फागू चौहान के सेंट्रल हॉल में बजट को लेकर संबोधन होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल। बीते दिन राजधानी पटना के बेली रोड स्थित बेल्ट्रॉन भवन के सामने डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा में पास सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान आए अभ्यर्थियों की माने तो बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा उन लोगों ने 3 साल पहले ही पास कर ली थी और अभी तक उन लोगों को कहीं भी नियोजित नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर वो लोग परेशान हैं और यही मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते दिन बेल्ट्रॉन भवन पहुंचे थे। इस दिन से और यहां से शुरू होगा सीएम नीतीश का समाज सुधार अभियान। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान और जनता दरबार की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर बीते दिनों ही सारी जानकारी साझा कर दी गई थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब समाज सुधार अभियान की शुरुआत के लोकेशन की जानकारी निकल करके सामने आई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक नीतीश कुमार 22 फरवरी को भागलपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं 23 फरवरी को मुख्यमंत्री की सभा जमुई में होगी। फिर 26 फरवरी को मुख्यमंत्री बेगूसराय में जनसभा करेंगे। सीएम नीतीश के समाज सुधार अभियान में 23 फरवरी को मुख्यमंत्री की सभा जमुई से होगी, वहीं 26 फरवरी को मुख्यमंत्री बेगूसराय में जनसभा करेंगे। इससे भी खास बात यह है कि सीएम नीतीश की इस महीने प्रस्तावित समाज सुधार अभियान में जीविका दीदियां भी शामिल होने वाली है, जिसके बाद ही सीएम नीतीश जनसभाओं में राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज उन्मूलन और बाल विवाह मुक्ति अभियान से संबंधित राज्य सरकार के कई नीतियों और फैसलों पर विचार रखेंगे। पटना का सफर होगा आसान, मई तक गंगा पाथवे से जुड़ जाएगा अटल पथ। राज्य सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि 5 घंटे के अंदर किसी भी जिले से बिहार की राजधानी पटना पहुंचने का रास्ता साफ हो। इसको लेकर राज्य सरकार जहां तेजी से काम कर रही है, इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने
अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जल्द ही पटना का सफर आसान होने का अनुमान लगाया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार और आधिकारिक जानकारी के अनुसार मई महीने तक गंगा पाथवे से अटल पथ जुड़ जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो अटल पथ को गंगा पाथवे से मिलाने के लिए दीघा में बने फ्लाईओवर के बचे भाग में आगे अप्रोच रोड बनाने का काम हो रहा है। वहीं अटल पथ की कनेक्टिविटी गंगा पाथवे और जेपी सेतु से होने पर उत्तर बिहार आने जाने में एक और विकल्प होगा, इससे लोगों की सुविधा बढ़ेगी। बरौनी खाद कारखाना इस महीने से हो सकता है चालू, केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने दिए संकेत। बरौनी खाद कारखाने को इन दिनों 8388 करोड़ की लागत से बनाने का काम किया जा रहा है, जिसका ही लगभग 95% काम पूरा हो गया है। जून 2022 तक इसे पूरी तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद ही इसके उत्पादन शुरू होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने सुशील मोदी के एक सवाल के जवाब में सारी जानकारी दी। मनसुख मंडाविया की माने तो बरौनी खाद कारखाने को 2016 में स्वीकृति दी गई थी। इसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया था। कोविड के बावजूद काम बहुत तेजी से चल रहा है। कोविड के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में 6 से 7 महीने का समय जरूर लगा, लेकिन अब जल्द ही काम पूरा होने की उम्मीद है। लालू यादव ने बताया भाजपा को अंग्रेजों की सरकार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा बनने के लिए बीते दिनों ही पटना आ गए थे। वहीं पटना पहुंचने के साथ ही वो एक के बाद एक कई बयान भी लगातार दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से उन्होंने सरकार का घेराव किया, साथ ही गृह युद्ध होने की बात कही है। इसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो भाजपा की तुलना अंग्रेजों से कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि 70 साल बाद भारत में फिर से नया अंग्रेज आ गया है। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो यूपी में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जदयू के सभी सांसद पीएम मोदी तक पहुंचाएंगे विशेष राज्य की मांग। बिहार में बीते कुछ समय से लगातार आप भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग सुन रहे होंगे। हालांकि नीतीश सरकार की ये आवाज आम जनता तक तो आ रही है, लेकिन भाजपा मूक दर्शक बनकर देख रही है। यही कारण है कि भाजपा के मुखिया और देश के मुखिया पीएम नरेंद्र मोदी तक जदयू सांसद अपनी बात पहुंचाने वाले हैं। इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो इस मुद्दे पर देश के प्रधान बिहार पर ध्यान नाम से एक मुहिम भी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा के नेता इस मुद्दे को लेकर लगातार जदयू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच कुछ दिन से चल रहे विवाद के बीच अब जदयू ने इस विषय को लेकर सीधे प्रधानमंत्री के पास लेकर जाने का फैसला किया है। गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए UIDAI ने शुरू की नई सर्विस। आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना कई जरूरी काम में बाधा आ जाती है। होटल बुकिंग से लेकर नौकरी पाने और बैंक में खाता खुलवाने तक के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में आधार कार्ड कहीं खो जाए तो हम बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। आधार का गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए UIDAI आपको आधार लॉक करने की सुविधा भी देता है। आप चाहे तो आधार खोने पर इसे लॉक भी कर सकते हैं। इससे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आधार धारक अपने आधार नंबर को SMS के जरिए लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। UIDAI ने SMS पर आधार सेवाएं नामक एक सेवा शुरू की है जो आधार धारकों को सक्षम बनाती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। तीसरा और अंतिम युद्ध रामपुर में अंग्रेजों और मराठा के बीच 1818 में लड़ा गया। महात्मा गांधी जी ने 1921 में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया। नई दिल्ली 1931 में भारत की राजधानी बनी। ईटानगर को 1979 में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप 1992 से विदेशी पर्यटकों के लिए खुला। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1970 में हिंदी मंच के कवि कुमार विश्वास का जन्म हुआ। 1847 में बांग्ला कवि लेखक नवीन चंद्र सेन का जन्म हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खान शानी का 1985 में निधन हुआ। बिहार विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के आधार को लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंचे सरपंच और पंच। जल्द ही बिहार में विधान परिषद की चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि अभी तक तो इस चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा। हालांकि तारीख के ऐलान होने से पहले अब इस चुनाव में वोटिंग के अधिकार को लेकर सभी ग्राम कचहरी सरपंच और पंच ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत ही बिहार में ग्राम पंचायतों के ग्राम कचहरी सरपंच और पंच को वोट करने के अधिकार से अलग रखने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। साथ ही बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए स्थानीय निकायों के वोटर लिस्ट से अलग रखने को भारत के संविधान के प्रावधानों की शक्ति के बाहर घोषित करने की मांग इस याचिका में की गई। यानी कि इन सभी ने कोर्ट से राज्य के ग्राम पंचायतों में ग्राम कचहरी सरपंच और पंच को राज्य विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग करने के लिए राज्य के वोटर लिस्ट में सदस्य घोषित करने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, ट्रू इंडियन, दिव्यांशु कुमारी, बबिता
यादव, लाडला कुशवाहा, अनुज कुमार, कुश कुमार, शिव कुमार पासवान, सुजाता कुमारी, नुन्नू कुमार, विकास कुमार, पूजा कुमारी, अरविंद यादव, संतोष कुमार। संतोष, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस की तरफ से की जा रही कार्रवाई को आप कितना सफल मानते हैं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।